शाही ईदगाह। ये मस्जिद और ईदगाह मुल्तान शहर के सबसे कदीम हिस्से के शुमाल मशरक़ में मरकज़ी मुल्तान लाहौर शाहरा पर वाक़ है। ये मस्जिद हज़रत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह, जो 20वीं सदी के बुज़ुर्ग माने जाते हैं और जिनका इंतकाल कोई 2 दहाई पहले मुल्तान में हुआ, तो उनके मज़ार से मुत्तसिल हैं। और अहमद सईद काज़मी के साहबजादे अभी कुछ अर्सा पहले ही हमारे हामिद सईद काज़मी हज के अमूर और मजहबी अमूर के वज़ीर भी रह चुके हैं वफाकी। इस मस्जिद की तारीख कुछ इस तरह से है कि ये मस्जिद 1735 ईस्वी में मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह के दौर में तामीर की गई और इस मस्जिद के लिए माली इमदाद नवाब अब्दुलसमद ख़ान ने फ़राहम की, जो मुगलिया सल्तनत की तरफ से मुल्तान के गवर्नर थे। मुल्तान में सिख अफवाज के जवाल के बाद मस्जिद को एक चौकी में तब्दील कर दिया गया और इसे बारूद ज़खीरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1848 तक ये मस्जिद इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही। इसके बाद सिख बाजियों के एक ग्रोह ने, जिसकी हिमायत 2000 फौजियों के ग्रुप ने की, मस्जिद को घेरे में ले लिया और 2 बरतानवी सफीरों को कत्ल कर दिया। ये वाकया मुल्तान में सिख सल्तनत की हतमी शिकस्त का बाइस बना। मुल्तान के मुहासरे के दौरान होने वाली लड़ाई में एक बरतानवी तोप ने मस्जिद की छत पर हमला किया, जिससे 40,000 पाउंड बारूद फट गया, जिससे मस्जिद का एक हिस्सा तबाह हो गया। मुल्तान में इब्तदाई बरतानवी दौर में मस्जिद को बतौर अदालत इस्तेमाल किया जाता रहा और 1891 में डिप्टी कमिश्नर एच सी कुकसन के इसरार पर इसे असल मकसद यानी नमाजियों के लिए बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद मस्जिद के सहन में तौसीह की गई ताकि ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकें। फ़न तामीर। ये मस्जिद वसी व अरीज़ है, एक वसी सहन और नमाज के लिए एक बड़ा हाल, जिसकी लंबाई 250 फुट और चौड़ाई 54 फुट है। उसमें 7 गुंबद हैं। मस्जिद का बैरूनी हिस्सा चमकदार नीली मुल्तानी तर्ज की टाइलों से मुजैन है, जबकि अंदरूनी हिस्से को पेचीदा किस्म के नक्शो नगार से सजाया गया है।